हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल गुजिया, जो कि होली पे हर घर में बनती है। तो इसे मैं बिल्कुल कम मैदे से बनाने वाली हूँ। देखते हैं कितने गुजिया बनके तैयार होता है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे मात्र 2 कप आटा ले रही हूँ, यानी मैदा, और 4 चम्मच घी का मोयन देंगे। तो जब भी आप आटे में मोयन देंगे तो घी को हमेशा मेल्टेड लें, ताकि अच्छे से आटे में मिक्स हो पाए। तो अगर घी नहीं है तो रिफाइंड से भी मोयन अच्छी हो जाती है, लेकिन तेल से मोयन ना दें, नहीं तो करंची नहीं होगा। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटा का डो लगाएंगे, और ध्यान रखेंगे रोटी के आटे से थोड़ा सा आटे को सख्त रखेंगे। आटा गूंथ चुका है, मैंने आयल लगाया है, ढक करके रख दिया, 5 मिनट के लिए सेट होगा, तब तक हम इधर खोया तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी ले रही हूँ और 1 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप मिल्क डाल के, और इसको गैस पे रख के थोड़ी देर चलाएंगे तो ये खोआ बन जाएगा। मतलब कि मैं मिल्क पाउडर से घर पर ही खोया बना रही हूँ, तो मार्केट में प्योर खोआ नहीं मिलता, तो मैं मिल्क पाउडर से ही खोआ बना रही हूँ घर पे। ये पूरी तरीके से प्योर है। अगर आपके पास दूध है या आपको आसानी से दूध मिल जाता है तो दूध को जला करके ही खोआ बनाइए, तो बहुत अच्छा गुजिया जो है बनेगा। और इस खोए में मैं डाली हूँ 1/2 कप भुना हुआ सूजी और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे अपने पसंद से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नारियल और काजू बादाम, किशमिश, मतलब जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पिसा हुआ चीनी और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये जो है गुजिया का फिलिंग बन के तैयार हो जाएगा, मतलब गुजिया का भरावन जो अंदर भरते हैं। और आटा भी सेट हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा चिकना लेंगे हाथों से और छोटा छोटा सा लोई बना लेंगे पूड़ी वाला, और इसको पूड़ी के जैसे बेलेंगे। और जो है कि आज मैं गुजिया जो है गुजिया मोल्ड से बना रही हूँ, तो इस पे हम थोड़ा सा आयल लगाएंगे ताकि गुजिया जो है मोल्ड में चिपके नहीं। और उसके बाद पूड़ी रखेंगे, उसके ऊपर फिलिंग रखेंगे और पानी लगा के मुंह को बंद करेंगे। इस तरीके से जब भी आप बनाएंगे ना, एक भी गुजिया तेल में ना तो फटेगी ना तो टूटेगी, बिल्कुल गुजिया जो है कि अच्छा गुजिया बनके तैयार होगा। और सांचे से बनाएंगे तो बिल्कुल कम समय में बहुत ज़्यादा गुजिया बना लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे सांचे से ही गुजिया बनाई हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया बनके तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पे इसे तलेंगे, तो तेल मैंने रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए, तो ये गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गुजिया को डाल देंगे कढ़ाई में, जितना कढ़ाई के अंदर आ जाएगा, और एक तरफ सिक जाएगा तो फिर हम इसे पलट लेंगे, बार बार इसे नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी उसी में। तो एक तरफ से जब सिक जाएगा थोड़ा सा, तो फिर पलट देंगे सभी गुजिया को, और जब कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ब्राउन हो जाएगा, 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो अगर आप गुजिया बना रहे हैं ना, तो फ्लैट बेस वाला जो है कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत अच्छी गुजिया बन के तैयार होगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी बिल्कुल कढ़ाई छोटी है, मैं थोड़ा सा बना रही थी तो इसलिए मैं छोटी कढ़ाई में ही बना दी। तो आप ऐसा ना करें, थोड़ा सा बड़ी कढ़ाई लें फ्लैट बेस वाली, उसमें गुजिया अच्छी पकेगी। और गुजिया मेरी बन चुकी है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी गुजिया बनके तैयार हुई है। अभी हम इसको तोड़ के भी दिखाएंगे। तो ठंडा हो चुकी है थोड़ा सा, अब हम इसे तोड़ेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनके जो है तैयार हुई है, कितना करंची है। बिल्कुल इस तरीके से जब भी मन करे गुजिया बनाइए। और अगर मीठा गुजिया पसंद है सीरे वाली, तो 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी डाल के और इलायची पाउडर डाल के एक उबाल ला दीजिए, ये सीरा भी बन के तैयार हो जाएगा।
और उसमें गुजिया को जो है डुबो करके निकाल लीजिए, तो ये सिरे वाली गुजिया जो है तैयार हो जाएगी मार्केट वाली। और इसका जो है हम डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा कटे हुए पिस्ता बादाम वगैरह से, और नहीं भी करेंगे तब भी जो है कि कितना अच्छा गुजिया दिख रहा है ना।